नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज हम बात करेंगे वेल्डिंग के बारे में कि वेल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं और वेल्डिंग क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम नंबर वन में जानते हैं स्ट्रिक्ट सॉलिड मेटल आर्क वेल्डिंग, स्टील सॉलिड मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसको हम SMAW भी कहा जाता है। इसको हम प्रचलित रूप से आर्क वेल्डिंग कहते हैं, जो कि हमारे गांव शहरों में गेट, ग्रिल, दरवाज़ा, खिड़की या बनाने में जो उपयोग में हम वेल्डिंग करते हैं वो आर्क वेल्डिंग होता है। तो इसको हम SMAW भी बोल सकते हैं। नंबर टू, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, इसको हम GMAW के भी नाम से जानते हैं और इसका प्रचलित नेम इसको मिग वेल्डिंग भी बोलते हैं। इसका प्रयोग हम जैसे वाहनों, गाड़ी, मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह, इस पर जो वेल्डिंग होता है वो मिग वेल्डिंग होता है। इसमें से वेल्डिंग करने के बाद कार्बन नहीं निकलता है। जैसे कि आर्क वेल्डिंग करते हैं तो उसमें कार्बन छुड़ाते हैं और इसमें कार्बन होता ही नहीं है, इसमें ओरिजिनल वेल्डिंग। नंबर थ्री, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, इसको हम GTAW के नाम से भी जानते हैं। इसको हम प्रचलित रूप से टिग वेल्डिंग बोलते हैं। इसका प्रयोग हम पतले सीट, पाइप वगैरह इत्यादि को जोड़ने के लिए किया जाता है। नंबर फोर, फ्लैक्स कोड आर्क वेल्डिंग, इसको हम FCAW के नाम से भी जानते हैं। ये दोस्तों सेम गैस मेटल आर्क वेल्डिंग की तरह होता है। उसमें गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में सॉलिड रड का प्रयोग किया जाता है और फ्लैक्स कोड आर्क वेल्डिंग में सॉलिड रड का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें रड के जगह पर मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि रेत, नमक, सुहागा, रेत का सुहागा, लोहे का चूर्ण, ऐसा कोई मिश्रण का प्रयोग इसमें किया जाता है। नंबर फाइव, एंग्री बीम वेल्डिंग, इसको हम EBW के भी नाम से जानते हैं। इस वेल्डिंग में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड को अप्लाई कर दो प्लेटों को जोड़ा जाता है, यानी कि मोटे से मोटे प्लेटों को इसमें जोड़ा जाता है। और इसके बाद ऑटोमेटिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, इसको हम AHW के भी नाम से जानते हैं। इसमें दोस्तों दो टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। ये दो टंगस्टनों के प्रयोग से वेल्डिंग किया जाता है। इसमें ऑपरेटर की जरूरत नहीं होती, ये वेल्डिंग ऑटोमेटिक होता है, इसलिए इसको ऑटोमेटिक हाइड्रोजन वेल्डिंग भी कहा जाता है। नंबर सेवन, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, इसको हम PAW के भी नाम से जानते हैं और ये दोस्तों गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग की तरह ही होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर इस वीडियो में पूरी बारीकी से अगर जानकारी चाहिए एक एक वेल्डिंग के बारे में तो वो भी हम बताएंगे। अगर ज़रूरत हो, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।